हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ ए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी टुडे वी स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ ए एंजाइम प्रोडक्शन सो एंजाइम्स को लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स एंड मैथड्स को यूज करते हैं सो so आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग दिस मेथड ऑफ़ एंजाइम प्रोडक्शन सो स्पेशली जो स्टेप्स फॉलो होते हैं एंजाइम के प्रोडक्शन के अंदर कि आइसोलेशंस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम का फिर सूटेबल टेक्निक को यूज़ करके हम उसका फॉर्मुलेशन तैयार कर देते हैं फिर होता है स्टरिलाइजेशन ऑफ दैट एंजाइम एंड लास्ट में उसको प्योरीफाई करके हम नेक्स्ट सप्लाई करते हैं सो so यही प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर

android application on google play you will also find the premium test series in affordable price just rupees 100 for 1 year so you will get instant test result proper result analysis and get your rank based on your performance so this facility is available only on our app farmerox download their farmerox android application on google play

ओके okay, प्लस उनका रेट ऑफ रिएक्शन ओके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करते हैं सो so, दिस एंजाइम सारे आर ए मैक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एक्सेलेट और कैटालाइज द केमिकल रिएक्शंस एंड दे आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन की ये आपको खास याद रखना है कि उनके कंपोजिशन के अंदर कौन सा मेन है तो इट इज़ ए प्रोटीन के एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं फिर इन एनी बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम दे आर नेसेसरी टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शंस की जैसे हमने देखा था कि कोई भी रिएक्शंस हो रही है ओके तो एंजाइम्स उसके सब्सट्रैक uh, के साथ ज्वाइन होके एंजाइम एंड सब्स्ट्रैक का बनाते हैं कॉम्प्लेक्स और उसके पास होती है पर्टिकुलर ये एक्टिव सेज कि जहाँ पे सब्सट्रैक होता है अच्छे से बाइंड के जिसको बाइंडिंग साइट भी कहा जाता है एंड फिर ये जो रिएक्शन से उसको इंक्रीज करवाता है उसके रेट को और जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट होती है एंड फास्टर कंप्लीट होती है तो यह है मेन इंपॉर्टेंस एंजाइम्स का नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द माइक्रोबियल एंजाइम्स सो एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की जो एंजाइम्स को डेवलप करने के लिए हम अलग अलग माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इस कवरिंग रिसर्च ऑन बेजिस बेजिक एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल एंड प्लांट सेल की स्पेशली एंजाइम्स को हम माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम डेवलप कर सकते हैं प्लस उनका जो यूज़ है ओके कि एंजाइम्स को हम यूज़ कर सकते हैं एंजाइम्स के प्रोडक्शन के अंदर भी प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेवलप के अंदर ऑल्सो अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एंजाइम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हम इन कंडीशन के अंदर ट्यूब के अंदर या फिर आर्टिफिशियली uh, हम डेवलप करते हैं इन ए लेबोरेटरी सो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रेस्पिरेशंस एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट कि माइक्रोबियल एंजाइम्स जब आप बना लेते हो तो उनको यूज़ हम कहाँ पे करते हैं तो एक तो जो फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट्स होती है कि जिस जो, जिसके, जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो फर्मेंटेशन के अंदर भी जरूर पड़ती है ये एंजाइम्स की एज वेल एज माइक्रोबियल ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पाइरेशंस के लिए उनके भी एंजाइम्स जरूरी है तो इसीलिए बाय यूजिंग द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइज द बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इजीली डेवलप द सच माइक्रोबियल एंजाइम्स इन ए लेबोरेटरी के फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबियल प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स तो वो कौन सी है बैक्टेरियन एक्टिनोमाइसिट्स की जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज ऑफ बैक्टेरियन एक्टिनोमाइसट्स के लाइक सीडोमोनास है स्ट्रेप्टोमाइसिस है राइजोबियम है बेसिलसप्टाइलिस है फिर फंगाई के अंदर सेकेरोमाइसिस है पेनीसिलियम है एस्पार्स है तो अलग अलग फंगाई एंड ऑल्सो द आलगे आर यूज इन दिस एंजाइम प्रोडक्शन तो ये जो एंजाइम्स तैयार हुए वो है माइक्रोबियल एंजाइम तो ये था आपके लिए मेन बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल एंजाइम अब जरूरी है मेन हमारा इम्पोर्टेंस कि उनको हम डेवलप कैसे करते हैं तो मेथड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शंस तो उसके लिए जो मेन बेसिक स्टेप्स है तो वो है सबसे पहले कि आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे हमने ये वाला जो टेबल देखा ओके कि फ़ॉर एग्जांपल आप इसमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं ओके कि समझे कि मैं एस्पारजिल्स लेता हूँ ओके तो एसपारजिल्स को फर्दर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूज़ करके उसमें से मैं एंजाइम्स जो है वो डेवलप करूँगा तो ये हो गया सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद होता है कि स्ट्रेन डेवलपमेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना पड़ता है स्ट्रेन एंड प्रिपरेशन ऑफ ए इनोक्यूलम कि प्रॉपर इनोक्यूलम आप तैयार करवाते हो पेट्रेडिस के अंदर कि जिसके कारण स्ट्रेन डेवलप हो सके एंड उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कल्चर मीडिया की तो हम दो टाइप के अलग अलग कल्चर मीडिया उसके लिए यूज़ करेंगे सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया और सेकंड इज़ द सबमर्स कल्चर तो दो अलग अलग टाइप के कल्चर हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस टेक्निक ऑफ़ एंजाइम प्रोडक्शन सो आगे सीखते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज़ द कल्चर मीडिया और मीडियम के ये वर्ड बार बार आएगा ये टॉपिक के अंदर कि कल्चर मीडिया या फिर कल्चर मीडियम तो सबसे पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कल्चर मीडिया और मीडियम सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दे कैन ग्रो वेरी वेल तो ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब किसी कोई आपको वाइवा के अंदर पूछे ओके okay, या फिर सिंपल आपको क्वेश्चंस नरेज कोई करता है रिगार्डिंग द कल्चर मीडिया तो ये आपको पता होना चाहिए कि कल्चर मीडिया क्या है तो इट इज़ ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ओके कि जैसे हम आ, कोई भी समझे कि प्लांट डेवलप कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लांटेशन तो प्लांट को भी हम अच्छे से देते हैं वाटर देते हैं प्लस अलग अलग उसको न्यूट्रिशन देते हैं प्लस जो फर्टिलाइजर्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड टू प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट

हाई अमाउंट के अंदर मतलब कि जो हमें प्रैक्टिकल की जो येल्ड मिले कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एंजाइम डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी मिले इसके लिए इस तरह से हम अच्छे से कल्चर मीडिया डेवलप करें कि जिसके अंदर एंजाइम प्रोडक्शन हमें मैक्सिमम मिले फॉर दिस परपजस एन आइडियल मीडियम मस्ट बी हैव ए चीप सोर्सेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन और माइनो एसिड्स ग्रोथ प्रमोटर्स प्रोमोटर्स ट्रेस एलिमेंट्स एंड लिटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो हम ये अलग अलग न्यूट्रिशंस ऑफ़ जो चाहिए किसी भी माइक्रो को क्योंकि उसको जरूर होता है कार्बन की नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स जो ग्रोथ प्रमोटर्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग ट्रेस एलिमेंट्स एंड लिटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो ये सबको मिक्सअप किया जाता है प्रॉपर कल्चर मीडिया के अंदर और इस तरह से तैयार होता है कल्चर मीडिया और कल्चर मीडियम सो केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन द पीएच ड्यूरिंग द फार्मेंटेशन क्योंकि जब फार्मेंटेशन किया जाता है उस वक्त इम्पोर्टेंस रहता है कि जो कल्चर मीडिया आपने बनाया होता है जो फार्मेंटेशन के लिए जो आप मीडियम तैयार करते हो या फिर कल्चरिंग के लिए कल्चर मीडिया तैयार करते तो पीएच उसकी आपको अच्छे से सेटअप करनी रहती है सो दिस इज द एंजाइम प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो कि जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टेप वन कि आइसोलेशन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके देन स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड प्रिपेरेशन ऑफ ए इनोक्यूलम्स ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर ली आइसोलेट करने के बाद स्ट्रेन डेवलपमेंट ओके एंड इनोक्यूलम जो करते हैं हम कि इनोक्यूलेटिंग लूप से इनोक्यूलम्स करते हैं इन दिस स्पेशली पेट्रेडिस कंटेनिंग दिस अगार जेली ओके कि जिसके अंदर हम कल्चरिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायूजिंग प्रॉपर इनोक्यूलेटिंग लूप फिर uh, जरूरी रहता है कि मीडियम फॉर्मुलेशन एंड प्रिपेरेशन कि आपको ये प्रोसेस तो करनी है फर्स्ट स्टेप पर इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी ये अगारजेली की कि जिसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं तो अच्छे से आपको डेवलप करने रखना करके रखना पड़ता है कल्चर मीडिया फिर कल्चर मीडियम के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो ओके इट मस्ट बी द फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने आइसोलेट की है उसी का हमें ग्रोथ करवाना है नॉट द एनी अदर दैट्स वाई और कल्चर मीडियम मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैर इज नेसरी टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडियम एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चर एंड फ्लूड फिल्ट्रेशन कि अच्छे से वो कल्चर को हमें मैंटेन रखना है उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो ओके okay, सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिजम उसके अंदर ग्रो होनी चाहिए जिसको हमने आइसोलेट किया है सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू प्रॉपर स्टेरिलइजेशन ऑफ ए दिस कल्चर मीडिया अब समझो कि ये सभी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो आपका एंजाइम्स तैयार हो गया होगा तो उसको आप करते हो प्रॉपर प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम तो ये था एक सिंपल प्रोसेस फ्लो अब जानते हैं उसका डिटेल प्रोसेस फ्लो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से कौन से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए एंजाइम सो so, ये वाली अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं आइसोलेट करते हैं टू डेवलप वेरियस एंजाइम। समझो कि आपको अल्फा एमाइलेज डेवलप करना है उसका प्रोडक्शन करना है तो यू विल आइसोलेट द फर्स्ट एज ओरिजे एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद समझो कि आपको प्रिपेयर uh, करना है ग्लूको फॉर दैट वी विल यूज़ द राइजो राइजोपस स्पीसिस फिर लैक्टेस के लिए हम यूज़ करेंगे एसपारजिलस ओरिजे पैक्टिनेस के लिए वी विल यूज एस्पारजिलस नाइजर एंड प्रोटीस के लिए बोथ एसपारजिलस नाइजर एंड ओरिजे बोथ वी कैन यूज एंड जो हम माइक्रोबियल रेनेट तैयार करते हैं उसके लिए म्यूकर पुसिलस तो ये सब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूज करते हैं आइसोलेट करते हैं टू डेवलप दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो मोस्ट आईएमपी टेबल है ये आपके लिए अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है कि जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओके तो अब समझते हैं हम डिटेल में कि जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस फ्लो है सो एस फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले क्या करेंगे हमारे पास जो कल्चर होगा कि जिसको हम कहेंगे सेल कल्चर सेल कल्चर इट मीन्स कि स्पेशली उसके अंदर क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जिसकी हमें करवानी है ग्रोथ ओके सिंपल टर्म्स में हम कहें तो सेल कल्चर इज ए कल्चर विच कंटेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके ऑडिट कंटेंट माइक्रोव जिसको हम करते हैं आइसोलेट या फिर जिसका हमने किया है आइसोलेशन ओके okay? कि समझो कि हम एम uh, के लिए जब uh, अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखी प्रीवियस स्लाइड के अंदर ओके okay? कि यहाँ पे आप देख सकते कि अल्फा एम के लिए हम एस्पायर जिलस ओरिजे को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे एसपारजिलस ओरिजिक वाला यूज़ करेंगे सबसे पहले सेल कल्चर ओके तो ये सेल कल्चर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा कि सबसे पहले हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम को कर ली आइसोलेट ऐसे ही समझो कि मैं पैक्टिनेज मुझे डेवलप करना है देन आई विल आइसोलेट्स फर्स्ट एज अ सेल कल्चर एस्पारजीलस नाइजर तो सबसे पहले किया जाता है सेल कल्चर को लिया जाता है फिर सेकंड स्टेप है टू डेवलपमेंट ऑफ ए कल्चर मीडिया ओके कि कल्चर मीडिया की जो हमने आगे बात की कि वो स्पेशली सेमी सॉलिड ओके कि जो सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया या फिर सबमर्स कल्चर मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं तो जो अगर का बनाया हुआ कल्चर मीडिया होता है उसको हम यूज़ करते हैं ओके और उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशनल सोर्सेज के लाइक कार्बन है नाइट्रोजन है अलग अलग आ, ट्रेस एलिमेंट्स है ओके एमाइनो एसिड्स वग़ैरह उसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं तो कल्चर मीडिया की जो हो गया सोर्स ऑफ ए न्यूट्रियट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की जो भी हमारा सेल कल्चर है उसको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए न्यूट्रिशन। ओके तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम को हमने आइसोलेट की है सेल कल्चर के अंदर जिसका हमने किया है आइसोलेशन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार कर लेते हैं इस तरह से कल्चर मीडिया ओके तो हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी रेडी है फर्स्ट इज सेल कल्चर एंड अब रेडी है हमारे पास कल्चर मीडिया नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब कि प्रिपेरेशन ऑफ ए इोक्यूलम अब हम इनोक्यूलम करेंगे कि ये जो टेस्ट के अंदर जो सेल कल्चर है ओके okay, उसमें से जो हमने माइक्रोगम को आइसोलेट करी है उसके अंदर तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे ये अघार के अंदर तो समझे कि अगार को हमने इसमें से निकाल के ये ग्रोविंग अगर जेली को प्लास्टिक और ग्लास पेट्रेडिस के अंदर हमने ट्रांसफर करके रखा है ओके तो हम क्या करेंगे आ, ये वाला जो अगार है ये पेट्रेडिस के अंदर है एंड अब हम क्या कर रहे हैं ये जो हमारे पास सेल कल्चर है उसको बायोजिंग इनोक्यूलम और इनोक्यूलेटिंग लूप वी विल ट्रांसफर इन प्रॉपर असेप्टिक कंडीशन इन दिस पैट्रेडिस ओके सो पैट्रेडिस सेटअप फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं सेल कल्चर कल्चरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिपेरेशन ऑफ ए इनोक्यूलम अब इनोक्यूलम अच्छे से हो जाता है फिर से एक बार समझ लो कि ये जो अगार मीडिया है ओके okay, उसको हमने ये पैट्रेडिस के अंदर अच्छे से सैट कर दिया है फिर और ये जो इनोक्यूलम होता है या फिर इनोक्यूलेटिंग लूप है उससे ये जो सेल कल्चर है उसको हम ये पेट्रेडिस के अंदर ऐड कर रहे हैं कि जिसके कारण ये हो गया अगर ओके प्लस उसके अंदर अब आ गई माइक्रो ऑर्गेनिजम तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको ये अगर मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा प्रॉपर न्यूट्रिशन कि जिसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म ये Uh, इसके अंदर अच्छे से क्या करेगी अपना ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है हमने न्यूट्रिशन तो दे दिया बट नेक्स्ट ज़रूरी होता है प्रॉपर उसको इंक्यूबेट करना सो फॉर ए इंक्यूबेट इंक्यूबेशन वी विल पुट दिस पेट्रेडिस इन ए इंक्यूबेटर की ये जो वो है अब हमारे पास इनोक्यूलम उसको हम इंक्यूबेटर में रख देंगे कि प्रॉपर उसका टेम्परेचर प्लस टाइम लिमिट प्रॉपर अच्छे से सेट करके उसको इंक्यूबेटर में रख देंगे अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि जो इंक्यूबेटन का जो प्रॉपर टाइम होगा वो कंप्लीट होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की भी ग्रोथ हो गई होगी एंड उसके बाद हम उसको अच्छे से सेपरेट कर लेंगे सेपरेट करने के बाद वी विल एक्सट्रैक्ट द एनजाइम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम देन वी विल डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट एनजाइम वी विल मेक द प्रॉपर स्टेडिलाइजेशन ऑफ एनजाइम एंड वी विल डू प्रॉपर स्टोरेज एंड देन वी विल सप्लाई दैट एनजाइम तो यह हो गया प्रॉपर एनजाइम प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट ओके तो यहाँ से आप फिर से समझिए कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने ग्रो करवा दी इन दिस इंक्यूबेटर तो फिर उसको आप अच्छे से कर लेते हो सेपरेट सेपरेट करने के बाद यू विल डू द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए एंजाइम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको अच्छे से प्यूरीफाई करना जरूरी है स्टरिलाइज़ करना जरूरी है अच्छे से उसको स्टोर करना इन लास्ट में वी हैव टू सप्लाई दैट एंजाइम तो ये होगा एंजाइम प्रोडक्शन का प्रोसेस फ्लो तो इस तरह से ये जो प्रोसेस जो है वो होती है तो सिंपली इस तरह से इसका ये जो कॉन्सेप्ट है टू प्रोडक्शन ऑफ ए एनी एंजाइम तो सिर्फ अलग अलग एंजाइम्स रिलेटेड सेल कल्चर हम यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया प्रॉपर हम डेवलप करते हैं सभी के लिए प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम फिक्स होता है ओके एंड प्रॉपर प्रोसेस स्टेप्स तो ये है सिंपल बैकबोन हम कह सकते हैं या फिर प्रोसेस फ्लो सो मेथड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन इन दैट आवर एम फॉर आइसोलेटिंग इज माइक्रो माइक्रोनिज्म लाइज इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इन ए हाई अमाउंट एंड अदर मेटाबोलाइट इन ए लो अमाउंट कि हमारा टारगेट क्या होता है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें एंजाइम्स हाई अमाउंट में मिले एंड अदर मेटाबोलाइट्स की जिसको हम बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं ओके okay, हमारी प्रोडक्ट प्लस उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स मिलती है वो मिलनी चाहिए लो अमाउंट के अंदर और जो हाई अमाउंट के अंदर हमारा एंजाइम का प्रोडक्शन होना चाहिए कम्प्लीसन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस इन शॉर्ट टाइम मतलब कि जो भी प्रोसेस से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं एंजाइम प्रोडक्शन की तो वो शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए यूटिलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए लो कॉस्ट कल्चर मीडियम पर ऐसा ना हो कि कल्चर मीडियम बनाने के लिए काफ़ी खर्चा हो जाए सो so, uh, काफी लो कॉस्ट के अंदर हम इजीली उसको डेवलप कर सकें नेक्स्ट इज वंस ए सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम इज आइसोलेट इट्स एंजाइम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इज ऑप्टीमाइज बाय इम्प्रूविंग स्ट्रेन एंड फॉर्मिलिटिंग द कल्चर मीडियम अब जैसे कि हमने वो प्रोसेस फ्लो में देखा कि जो हमारा सेल कल्चर है उस उसको उसमें से जो हमारे प्रॉपर सुटेबल माइक्रो ऑर्गिज्म है उसको हमने आइसोलेट कर ली है तो उसको अब हमें डेवलप करना है टू प्रोड्यूस द एंजाइम तो उसके लिए उसका जो स्ट्रेन डेवलपमेंट करना कल्चरिंग करना ओके okay, तो उसके लिए जरूरी है प्रॉपर तैयार करना कल्चर मीडियम प्लस प्रॉपर पीएच एंड टेम्परेचर को भी मेंटेन करना जरूरी है सो स्ट्रेन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेजम्स आर डेवलप बाय यूजिंग द म्यूटाजेंस लाइक केमिकल्स एंड अल्ट्रावायोलेट लाइट मतलब कि जो स्ट्रेन डेवलपमेंट हम करते उससे माइक्रो ऑर्गेजम को अच्छे से एक्टिवेट कर देते कि जो एंजाम को प्रोड्यूस करने के लिए वो अब रेडी हो जाती है सिर्फ रहना होता है कि उनको उनकी हमें ग्रोथ करवाने की जिसके कारण हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके एंजाइम्स का तो उसके लिए अलग अलग जो म्यूटाजेंस होते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं कि लाइक केमिकल्स है रेडिएशन से ओके okay, अलग अलग केमिकल्स तो उसको हम यूज़ करके प्रॉपर म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं सो प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन इज गिवन इन ए सिलेक्शन ऑफ़ ए कल्चर ऑफ पेनीसिलियम तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम पेनीसिलिन को डेवलप करने के लिए जो पेनिसलियम कल्चर होता है कि जो पेनीलियम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम कि उसका अच्छे से हम सिलेक्सन करते हैं और उसके अंदर हम स्ट्रेन डेवलपमेंट करवाते हैं कि जिसके कारण हमें मैगजिमम अमाउंट में पेनीसिलिन का हम जो है वो डेवलप कर सकें कि जो एक, एक एंटीबायोटिक है सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे फॉर एंजाइम प्रोडक्शन सो नेक्स्ट की जो हमने बात की थी कि इनोक्यूलम की तो इनोक्युलम ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन डेवलप आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ म्यूटेशन इज प्रिपेर बाय मल्टीप्लाइंग इट स्पोर एंड माइसेलिया ऑन ए लिक्विड ब्रोथ। आफ्टर इनोक्यूलेसन नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड कि जो हमने वो प्रोसेस चार्ट में देखा कि इनोक्यूलेशन के बाद हम क्या करवाते हैं प्रॉपर इंक्यूबेशन की जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कि हमने टेम्परेचर सेट किया है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेटर का और टाइम लिमिट हमने फोर्टी एट आवर्स के सेट की है तो उसके बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो जो हम फर्स्ट जो मीडियम यूज़ करते हैं वो है सेमी सॉलिड कल्चर कि जिसके अंदर इसेरिसिया कोलाई साल्मोनेला टाइफी साल्मुलेला, आ, एंटेरी टाइडिस वगैरह के अलग अलग सेमी सॉलिड न्यूट्रिशन अगार मीडिया हम यूज़ करते हैं तो माइक्रोबियल कल्चर वो क्या है तो इट इज़ ए मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय लेटिंग देम रिप्रोड्यूसिंग इन ए प्री डिटर्माइन कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन मतलब हो गया इंक्यूबेशन कि जो इंक्यूबेटर के अंदर वो जो हम इंक्यूबेशन करते हैं कि कोई प्रॉपर टेम्परेचर ओके प्लस प्रॉपर टाइम तो वो हो गया कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन कि जो इंक्यूबेटर है उसको आप अच्छे से कंट्रोलिंग कर सकते हैं उस तरह से उसको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिसके कारण ये कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रोआर्गेनिज़म अच्छे से अपना ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए हम दो टाइप के मीडिया डेवलप करते हैं एक है सेमी सॉलिड एंड सेकंड इज द सबमर्स कल्चर तो जो सेमी सॉलिड मीडियम है उसको हम स्पेशली बनाते हैं बाय यूजिंग द अगर। ओके एंड कॉन्सेंट्रेशन इज पॉइंट फाइव परसेंट और लेस तो ये कॉन्सेंट्रेशन की पॉइंट फाइव ग्राम ओके इन हंड्रेड एम ओके ये हो गया उसका मिनिम कि जो परसेंटेज हम हंड्रेड के कंपेरिजन में निकालते हैं तो पॉइंट फाइव परसेंट और उससे भी लेस अगार को यूज करके हम ये सेमी सॉलिड कल्चर को डेवलप करते हैं तो यह आपके लिए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर दिस एंजाइम प्रोडक्शन सेमी सॉलिड मीडियम हैज ए सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी कि जो एक जेली जैसा बन जाता है अगार की इस तरह से हमें सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी मिलेगी और वो काफ़ी रहेगी सॉफ्ट कि जिसके अंदर इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ कर सके द एंजाइम प्रोड्यूसिंग कल्चर इज ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ सूटेबल सेमी सॉलिड सब्सट्रैक्ट कि जो सेमी सॉलिड अगार मीडियम है हमारा उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर एंजाइम प्रोड्यूसिंग कल्चर जो है वो डेवलप होगा कि समझो कि ये डिश है ओके okay? डिश के अंदर हमारा है ये सेमी सॉलिड सबस्ट्रैक्ट ओके तो यहाँ पे समझे कि मैं इनोक्यूलम से चार इनोक्यूलम करता हो, ये चार अलग अलग आप डॉट्स दे सक देख सकोगे अब समझे कि प्रॉपर इंक्यूबेट करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हो, तो इस तरह से अलग अलग कॉलोनीस मुझे देखने को मिलेगी ओके कॉलोनी ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसको हम कहेंगे कल्चर कि एंजाइम प्रोड्यूसिंग कल्चर ओके ये डेवलप हो गई ये माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म को मैं अब क्या कर लूँगा अच्छे से सेपरेट सेपरेट करने के बाद उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंजाइम्स ओके okay? तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ ए तो जिसके अंदर हम मॉइस्टर्न वीट और राइस ब्रान विथ न्यूट्रिय यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीडियम सो ब्रान इज मिक्स विथ सॉल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिय सॉल पी एच इज मेन्टेन इट न्यूट्रल लेवल एंड मीडियम इज स्टीम्स रिलाइज इन एटोक्लेव वाइल स्टरिंग। कि जो सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम जो हम बनाते हैं विथ अगार जिसके अंदर ये अलग अलग न्यूट्रीशंस भी मिक्सअप करते हैं लाइक राइस ब्रां है या फिर व्हीट है ओके okay, तो उसको जरूरी है पीएच मेंटेन करवाना न्यूट्रल लेवल पे प्लस उसको ऑटोक्लेव के अंदर अच्छे से स्टराइल करना भी जरूरी है कि जिसके कारण कल्चर के अंदर कोई भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो फिर ये होगा इंक्यूबेटर ओके कि जो डेप्थ रखनी होती है स्टाइलाइज मीडियम की वन टू टेन सेंटीमीटर एंड कल्चर इज इनाक्यूलेटेड आई दर इन दटोक्लेव और आफ्टर द कूलिंग और इन ए ट्रे तो ये है डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो आप किस टाइप के उसके अंदर इनाक्यूलेसन करते हैं हाई एनजेम कॉन्सेंट्रेशन इन ए क्रूड फर्मेंटेड मटेरियल सो वॉट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक जो हम सेमी सॉलिड कल्चर को यूज़ करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स कंपेरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट मतलब कि आगे जो हमने आपने आपने देखा कि ना ही हम ऐसे कोई ग्लासवेयर uh, यूज करते हैं कि जो काफ़ी कॉस्टली हो वी यूज द सिंपल ग्लासवेयर कि जो काफ़ी लो कॉस्ट वाले हैं ओके okay? कि जिनकी कॉस्ट काफ़ी लो है प्लस ऐसे कोई हम ऐसे हाई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे कि ना ही ऐसे कोई केमिकल्स यूज कि जिससे काफ़ी खर्चा हो तो इट इन्वॉल्व द कंपेयर कंपेरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप ये कर सकते हो अलो द यूज ऑफ सब्सट्रैक्ट विथ हाई ड्राई मैटर कंटेंट कि जो हमारा सब्सट्रैक्ट है स्टार्टिंग मटेरियल है विथ हाई ड्राई मैटर कंटेंट ओके सो जो मॉइस्चर फ्री मटेरियल को भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्राई मैटर कंटेंट वाला फिर इट विल्स द हाई एनजेम कॉन्सेंट्रेशन इन द क्रूड फर्मेंटेड मटेरियल कि जो अगार होता है उसके अंदर हम हाई एनजेम कॉन्सेंट्रेशन वाली माइक्रोडिज्म को डेवलप करके उसमें से ये हाई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं टू कल्टिवेट दोज मोल्ड विच कैन नॉट ग्रो इन द फर्मेंटर्स ड्यू टू वॉल ग्रोथ कि जो बड़े बड़े फार्मेंटर्स होते हैं ओके okay, कि उसकी जो टैंक की ये जो वॉल होती है ओके ये जो वॉल्स होती है टैंक की तो वहाँ पे भी कई बार क्या है मोल्ड का ग्रोथ होता है जिसके कारण ये डिक्रीज हो जाता है येल्ड ओके तो जो मोल्ड इस तरह की फर्मेंटर के अंदर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही उनको आप ये सेमी सॉलिड कल्चर के अंदर इजीली डेवलप कर पाते हो अलो द मोल्ड्स टू डेवलप इन टू देयर नेचुरल स्टेट ओके तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडवांटेज है रिगार्डिंग द सेमी सॉलिड कल्चर अब उसके जो डिसएडवाटेज है कि रिक्वायर द मोर स्पेस एंड मोर लेबर ओके कि जैसे जो अलग अलग उसके स्टेप्स हैं तो सभी स्टैप्स को परफॉर्म करने के लिए आपके पास प्रॉपर अमाउंट में लेबर होनी चाहिए तो रिक्वायर द मोर लेबर एंड स्पेस इन्वॉल्व द ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस कि जैसे जब स्टेप्स इंक्रीज होते हैं देन इट इज ऑल्सो लीड्स टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कि जैसे लेबर ज़्यादा है तो इन्फेक्शंस भी इंक्रीज uh, होने के चांसेस है दैट्स वाई यू सीड यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस ऑटोमाइजेशन इन सर्च सिस्टम अब ये प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते बिकॉज कि जो हमने प्रोसेस फ्लो देखा सेमी सोलिल कल्चर को कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा होता है कल्चर कल्चर के बाद ये जो मीडिया होता है फ्लास्क के अंदर ओके तो प्रॉपर उसको फिर पैट्रेडिस के अंदर ट्रांसफ़र करने का उसके बाद उसके अंदर इनोक्यूलम करने का फिर उसको इंक्यूबेटर में रखने का इंक्यूबेटर में रखने के बाद हम उसको अलग से सेपरेट करते हैं माइक्रो उसके अंदर से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये सभी स्टेप्स कैसे हैं मैनुअल है ऑल द स्टेप्स आर द मैनुअल्स ओके तो उसको ऑटोमेटेड नहीं कर सकते ये है उसका एक डिसएडवांटेज नेक्स्ट टेक्निक है हमारी वो है सबमर्स कल्चर सो अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्योर कल्चर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ओके सो माइक्रोर्गिजम्स आर इंक्यूबेटेड इन ए लिक्विड मीडियम सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस विगोरस एजिटेशन कि ये जो फर्मन होते हैं कि उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एजिटेटर्स ये देख सकते हो आप ओके दीज आर द पैडल व्हील और एजिटेटर्स कि जिसके कारण ये जो मटेरियल है वो एजिटेट होता रहेगा उसके अंदर जो है प्लस वीगोरस एजिटेशन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी ओके तो ये होगा सबमर्स कल्स कि जिसके अंदर स्पेशली हम फर्मेंटेशन की टेक्निक यूज करते हैं एंड फर्मेंटर को यूज़ करते हैं तो फर्मेंटेशन इक्विपमेंट इज यूज इन द एंजाइम प्रोडक्शन सो इट इज़ ए सिलेंड्रिकल टैंक आप ये देख सकते हो कि ये सिलेंड्रिकल टैंक है ओके सिलेंड्रिकल टैंक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है ये प्लस इट इज़ इक्विप विथ ए एजिटेटर ये जो है आप देख सकते हो कि पैडल व्हील लगाए हुए हैं वो एक टाइप के हो गए एजिटेटर एरेटिंग डिवाइस कि जिसके अंदर एयर आउट एंड एयर इन दोनों टाइप के उसके अंदर अटैचमेंट है कि जिसके कारण एरेसन अच्छे से हो सके उसके, उसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी है अच्छे से फॉर द यह देख सकते हो आप कूलिंग जैकेट लगाया हुआ है सो कूलिंग सिस्टम एंड वेरियस एंसिलरी इक्विपमेंट्स के लाइक फॉर्म कंट्रोल पीएच मॉनिटरिंग डिवाइस टेम्परेचर ऑक्सीजन वगैरह को आप फर्मेंटर के अंदर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं सो प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और इंड्यूसर्स शुड ऑल्सो भी चेक इन द मीडियम की इसके अंदर भी ये जो फर्मेंटर टैंक होती है उसके अंदर हम फर्मेंटेशन मीडिया यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा सके स ऑफ लैक्टोस सो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोडिस ओके कि समझो कि लेक्टोस प्रेजेंट होगा ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन तो इंड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोडेड एज द इंड्यूसर आर एक्सपेंसिव कंस्टीट्यूटिव म्यूटेंट्स आर यूज विथ डू नॉट रिक्वायर द इंड्यूसर्स ग्लूकोज रिप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ सम एंजाइम्स लाइक अल्फ़ा एमाइलेज थर्स द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज कैप्ड वेरी लो कि जब आप सबमर्स कल्चर बनाते हो तो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आप क्यों लो रखते हो तो उसका रीज़न है कि ग्लूकोज रिप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एमाइलेज क्या अल्फा एमाइलेज समझो कि आप फॉर्मेंटर को यूज करके बना रहे हो तो उसकी अमाउंट वो डिक्रीज करवा सकता है जिसके कारण हम उसकी अमाउंट लो रखेंगे नेक्स्ट आइदर द ग्लूकोज कैन बी सप्लाइड इन ए इंक्रीमेंटल मैनर और अ स्लो मेटाबोलाइज सुगर लैक्टोज और मेटाबोलाइज स्टार्च वी कैन यूज सर्टेन सर्फेक्टेंट इन द प्रोडक्शन मीडियम इंक्रीज द दिल्ड ऑफ सर्टेन एंजाइम आप सर्फेक्टेंट भी ऐड कर सकते हैं कि लाइक ट्वीन है और है आर फ्रीक्वेंटली यूज नॉन आयोनिक डिटर्जेंट इन दिस सबमर्स कल्चर तो इस तरह से फर्मेंटर के अंदर के प्रोडक्ट आपको नीचे से मिल जाती है ओके okay? हीटिंग और कूलिंग वाटर आउट होता है प्रॉपर पैडल्स होते हैं कि जो अच्छे से एजिटेशन प्रोवाइड करते हैं गैस आउटलेट प्रॉपर माइक्रोबैरा न्यूट्रिय एन इन हो सकते हैं मतलब कि प्रॉपर एरेसन एज वेल एज वहाँ से आप उसको सैंपल को इनलेट कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग वाटर इन एंड हीटिंग और कूलिंग वाटर आउट और प्रोप्स प्लस कॉम्प्यूटराइज कंट्रोलिंग भी होता है उसका कि जिससे आप ये फार्मेंटर को अच्छे से कंट्रोल एंड हैंडल कर सकें सो so, काफ़ी लो कॉस्ट से मतलब कि लेबर काफ़ी कम लगेंगे बिकॉज ये प्रोसेस को आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं ओके okay? कि ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एज वेल एज कोई एक ही पर्सन भी ये कंप्यूटराइज सिस्टम को हैंडल करके ये टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है सो एडवांटेजेस आर रिक्वायर द लेस लेबर एंड स्पेस लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ये जो असेंबली है कम्प्लीटली क्लोज है प्लस वन स्टेफ ओके okay, कि जो भी माइक्रो हम ये टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो फर्मेंटर है ओके okay, उसके अंदर हम फर्मेंटेशन मीडिया जो होता है वो मिक्स करेंगे प्लस माइक्रोब्स एयर एंड न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे ओके okay? कि जो माइक्रो को हमने आइसोलेट की है उसको हम ये फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर मिक्स कर देंगे और उसका फर्मेंटेशन करवा के हम करवाएंगे उसकी ग्रोथ फिर ये जो माइक्रोर्गिजम को फर्दर हम सेपरेट कर लेंगे एंड उसके अंदर से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे सो so, एट ऑटोमेशन इज ईजियर कि जो नॉर्मल सेमी सोलिड कल्चर में ऑटोमेशन हम नहीं कर सकते वो यहाँ पे इजिली हो जाता है डिसएडवांटेज है कि इनिशिएट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई कि जब आप ये फर्मेंटर असेंबली एस्टाब्लिश करते हो तो उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हाई हो जाता है बट उसके जो बेनिफिट्स है कि आप लेस लेबर के अंदर और लेस स्पेस के अंदर प्रोसेस कर सकते हो आपका इन्फेक्शंस का भी रिस्क काफी कम हो जाता है एंड एक तो ऑटोमेशन हो जाता है ये है उसके मेन बेनिफिट्स सो आफ्टर फर्मेंटेशन वंस फर्मेंटेशन इज फिनिश द फर्मेंटेड लिकर इज सब्जेक्टेड टू रैपिड कूलिंग टू अबाउट फाइव डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्पॉयलेज ऑफ द प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट स्पॉइलिज ना हो खराब ना हो जाए इसके लिए जैसे फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको रैपिड कूल cool कर दिया जाता है फाइव डिग्री सेल्सियस से जिसके कारण एक तरह से उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो ओके माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो कि जैसे हम पॉइचुराइजेशन के अंदर देखते कि हाई टेम्परेचर पे गर्म करके तुरंत उसको कूल cool किया जाता है तो सेम लाइक दैट कॉन्सेप्ट वी वी कैन हियर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द स्पॉयलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट ड्यू टू द एनी अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एक्म्प्लाइज आइदर बाई फिल्ट्रेशन और बाय सेंट्रिफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटेड ग्रोथ विद द एडजस्टेड पी एच अब आपकी माइक्रो ऑर्गेजम की ग्रोथ हो गई तो उसको आप अब अच्छे से सेपरेट से कर लो सेपरेट करने के बाद टू अपटेंड द हाई प्यूरिटी ऑफ द एंजाइम इट इज प्रेसिपिटेड विथ एसिटॉन अल्कोहल और इनऑर्गेनिक सॉल्ट कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर एमोनियम सोडियम सल्फेट हम यूज करेंगे एंड सॉल्ट आर प्रेफर्ड टू अवॉइड द एक्सप्लोजन और हजार्ड तो ये हो गया फार्मेंटेशन के थ्रू तो अब जान लेते हैं हम लेक्चर की समरी कि सबसे पहले जरूरी होता है सेल कल्चर को लेना सेल कल्चर के बाद जरूरी है सेकंड स्टेप कल्चर मीडिया कल्चर मीडिया जब हम आ, सेमी सॉलिड टेक्निक यूज करते हैं तब ओके okay, सेमी सॉलिड वाली समझो कि आप फर्मेंटेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं तो फर्मेंटेशन मीडिया हम बनाएंगे ओके okay? मीडिया तो दोनों के अंदर बनाने हैं बट आ, ये जो इस तरह से हम फ्लास्क में बनाते हैं स्पेशली फॉर सेमी सॉलिड एंड सबमर्स कल्चर के अंदर हम फर्मेंटेशन मीडिया बनाते हैं फिर क्या करेंगे सेम कि कल्चर मीडिया को अच्छे से हम करवाते हैं इनोक्यूलम uh, की प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम जबकि फर्मेंटर के अंदर डायरेक्टली सेल कल्चर कल्चर मीडिया डायरेक्टली हम मिक्स कर देते हैं ये फर्मेंटर के अंदर और उसका फर्मेंटेशन को हम स्टार्ट करवा देते हैं जबकि जो नॉर्मल uh, जो कंडीशन है हमारी सेमी uh, कल्चर की तो ये जो है उसको हम नेक्स्ट इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं प्रॉपर टाइम के लिए फिर माइक्रोगजम uh, के जैसे इसके अंदर ग्रो हो जाती है तो उसको हम कर लेते हैं अच्छे से सेपरेशन सेपरेशन के बाद उनका एक्सट्रैक्शन ऑफ एंजाइम एंजाइम का प्यूरिफिकेशन उसका स्टरिलाइजेशन स्टोरेज एंड सप्लाई तो जो डिफिकल्ट uh, टॉपिक था उसको हमने एकदम इजी तरीके से ये समझा है सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट मस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल यू कैन ऑल्सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम एंड सिटी नेम इन व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स Be updated with PharmaLonage or subscribe the channel and press on bell icon and never miss any video of PharmaRox. To get the study material and test series, download their PharmaRox Android application on Google Play.